तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर तगड़ा बवाल मचा हुआ है। मंदिर के प्रसाद में बीफ और फिश ऑयल मिलने की बात सामने आई है, लेकिन इस तरह का प्रसाद देने वाला मंदिर सिर्फ तिरुपति बालाजी ही नहीं है। जी हाँ, शिरडी के साई बाबा मंदिर में भी इस तरह का प्रसाद दिया गया था। अब हो सकता है आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो, तो जरा एक बार आज तक की ये रिपोर्ट देखिए। यही नहीं, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट भी यही कहती है। बालाजी मंदिर की तरह ही शिरडी साई बाबा मंदिर के लिए भी लोगों में गहरी आस्था है। शिरडी में भी प्रसाद के तौर पर तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह ही लड्डू का प्रसाद दिया जाता है। लेकिन साल 2012 करीब 12 साल पहले शिरडी के साई बाबा मंदिर पर खराब प्रसाद देने के आरोप लग चुके हैं। दरअसल ये 2012 के अगस्त की बात है। उस वक्त मंदिर में बांटे जा रहे लड्डू के प्रसाद में स्मेल आने की बात सामने आई थी। यहाँ तक कि प्रसाद में इस्तेमाल होने वाला घी भी खराब क्वालिटी का बताया जा रहा था। भक्तों की शिकायत थी कि लड्डू की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, और कुछ भक्तों ने भी आरोप लगाया कि इससे स्मेल आती है। वजह थी लड्डू को बनाए जाने वाले घी की खराब क्वालिटी। लोगों में साई बाबा के प्रति गहरी आस्था है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और मंदिर की तरफ से प्रसाद के रूप में लड्डू को ग्रहण करते हैं। लेकिन प्रसाद में मिलावट और स्मेल से लोगों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची थी। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक भक्त ने कहा था कि हम यहाँ कई बार आ चुके हैं, लेकिन प्रसाद के रूप में इस बार जो लड्डू मिला है उसका स्वाद काफी कड़वाहट भरा है। एक भक्त ने यह भी कहा कि ये आस्था का मामला है और इसीलिए कोई भी कुछ भी कहने से संकोच कर रहा है, लेकिन स्वाद में कसैलापन काफी दिनों से महसूस किया जा रहा था। हालांकि इस तरह की शिकायत के बाद फूड एंड एडल्ट्रेशन विभाग यानी FDA ने साई बाबा मंदिर के किचन पर छापा मारा। हालांकि जांच के बाद क्या सामने आया इस बात का पता आज तक नहीं चल सका है। हाँ, लेकिन करीब 4.5 लाख लड्डुओं को फेंक दिया गया था। यह मामला सिर्फ लड्डुओं का ही नहीं था, बल्कि इसमें खराब हलवे की भी बात सामने आई थी। साई बाबा मंदिर में उस वक्त तकरीबन 50 क्विंटल प्रसाद तैयार किया जाता था। दरअसल ये शिकायत सत्यनारायण प्रसाद के लिए बने सूजी के हलवे की क्वालिटी की भी थी। शिकायतों के बाद जिले के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ मंदिर ट्रस्ट की समिति के सदस्यों ने भी देखा कि लड्डू का स्वाद काफी ज्यादा खराब था, तो उन्होंने भी मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। वैसे आपको बता दें कि प्रसाद की खराब क्वालिटी को लेकर शिकायत पहली बार नहीं की गई, बल्कि पहले भी 2009 में खराब लड्डुओं की बात सामने आई थी। आपको बता दें कि उस वक्त करीब 1.5 लाख लड्डू बनाए गए थे, जिन्हें बाद में फेंकवा दिया गया था ताकि उन्हें खाकर कोई बीमार ना पड़े, क्योंकि उस वक्त इन लड्डुओं को खाने वाले भक्तों को उल्टियां होने लगी थी और इसके बाद इसमें इस्तेमाल किए गए घी पर भी सवाल उठाए गए। शिरडी साई मंदिर में मौजूद इटालियन मार्बल से बनी साई बाबा की मूर्ति के दर्शन के लिए देश में दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर लगभग 30,000 भक्त हर दिन आते हैं। किसी खास मौके या फिर त्योहार पर यह संख्या दोगुनी हो जाती है, या फिर 2 से 3 लाख भी आप इन्हें कह सकते हैं। मंदिर में बाबा के जीवन काल से चली आ रही परंपराओं का पालन किया जाता है। समाधि मंदिर में हर दिन 4 आरती की जाती है और मंदिर का प्रबंधन श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी द्वारा किया जाता है। तो ये थी कुछ खास जानकारी जो आप तक पहुंचानी जरूरी थी। अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।